आपको एक अफसोसनाक ब्रेकिंग न्यूज से आगाह करते चले, अमीन बारिक नंबर 2 लीची वाला बाग गली रमजान बट शफीकाबाद में बोरी बंद लाश बरामद हुई है। लाश की शनाख्त नजीर अहमद व गुलाम कादिर इंसारी के नाम से हुई, जिसकी उम्र 70 साल बताई जा रही है। कल इसका थाना शफीकाबाद में 365 के तहत मुकदमा दर्ज करवाया गया था। 155 कॉल करने के बाद कानूनी अदारे मौके पर पहुंच गए और लाश को कब्जे में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी। जानते हैं वंडर न्यूज के नुमाइंदे डॉक्टर मोहम्मद वसीम की इस रिपोर्ट में। जी डॉक्टर मोहम्मद वसीम, मजीद तफसीलात से आगाह कीजिएगा, आखिरकार ये क्या मामला था, क्या वजूहात थी, ये वाकया कैसे पेश? जी अनमोल, थाना शफीकाबाद अमीन पार्क नंबर 2 गली रमजान बटवाली में बोरी बंद लाश बरामद हुई। लाश की शनाख्त नजीर अहमद वल्द कादर बख्श अंसारी के नाम से हुई, जिसकी उम्र 70 साल बताई जा रही है। कल थाना शफीकाबाद में 365 के तहत 738/20 दर्ज करवाया गया। आज सुबह सहरी के बाद अहले मोहल्ला ने लाश को देखा तो 155 पर कॉल की। 155 पर कॉल करने के बाद कानूनी इदारे मौके पर पहुंच गए। टोलखन अहलकार ASI मोहम्मद आजम, CIA थाना कोतवाली मोहम्मद अकरम, सब इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन के मौके पर पहुंच गए। ASI मोहम्मद आजम CIA थाना कोतवाली ने अहले मोहल्ला बेटों और मौके पर मौजूद लोगों से ऐसे तरीके से छानबीन की। ASI मोहम्मद आजम को अफसरान ने मुबारकबाद पेश की और इनकी कारकर्दगी को सराहा। आखिरी इतला मिलने पर लैब का अमला पहुंच चुका था और सैंपल हासिल किए जा रहे थे। थाना शफीकाबाद की इन्वेस्टिगेशन ब्रांच ने इनकी तफ्तीश भी जारी रखी हुई है। डॉक्टर मोहम्मद वसीम। जी जी डॉक्टर साहब, तफसीलात से आगाह करने का बहुत शुक्रिया।